श्री गंगा जी तेरे खेत गड्डे से हंडोले चारे कन्हैया झूल के संग रुकमण झूल रही भजन निरर्थक नहीं है। ये कविताएं निरर्थक नहीं है, ये राग निरर्थक नहीं है। जबकि आज जिसको जमाना सुनता है वो राग निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। और उसका अगर कोई अर्थ है तो जीवन को कठिन करने का हो सकता है, सदगति का नहीं हो सकता। मैंने को हूं आज ये सनातनी चेत जाए और घना तो कैसे कर सब वेद तक को पढ़ता है कोन्या, ना को शास्त्र पढ़ता, ना को पुराण पढ़ता, ना किसी ने टेम क्यों पेट भरण का या पीछे वाली भागा दौड़ी सी से सब क्या पीछा चाहिए है कि साहब वेद चाहिए है क्या मैं शास्त्र चाहिए है। अरे एक हद की बात है, सबको ये पता है हमारा मूल जो ज्ञान है वो शास्त्रों में वेद में है, और वेद और शास्त्र संस्कृत में लिखे हैं। और मेरे देश में संस्कृत पढ़ना जरूरी नहीं है। कितनी दूर है वो दिन जब एक भी नहीं होगा। मन कुछ और कम्मा भी ना होता ये दादार के ये भजन सनी ये सुना करो बड़का ने। ये सुनाने से क्या होगा, सुनने मात्र से वेद का शास्त्र का पुराण का इस सनातन का बोध, सुनने मात्र से इसके लेख का बोध हो जाता है। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। इस भजन को सुनना गंगा का बीज पर ले गए एड्डी दर चोटी ताई सारा बखान इस भजन में है। और सुने भी खूब से ना समझ माया वान्यारी बात से, और ना तो इसमें पूरा गंगा का इतिहास छिपा है। इस भजन को सुना दे या गंगा जी कड़े ताई से लेख न्यू कैसे लेख में लिखा है, जब वामन अवतार विष्णु भगवान ने धारा है और बलि से तीन कदम भूमि मांगी है, एक कदम में सारी पृथ्वी को माप दिया, और एक कदम जब आकाश मापने के लिए उठाया तब बोला वो विष्णु भगवान का पांच आग उड़ टकरा फिर माली के करमंडल में बोला गंगा जब चाल पड़ी थी मंत्रों द्वारा इसको रोका गया था। पहली कलीम वो न्यू का न्यू लेख ठाके सनातन का अर्दाता ने पहली कलीम दर रखा है। ये सौ रुपए से मान सम्मान आशीर्वाद दिया सभी को मेरा प्रणाम। पहली कलीम के कह रखी है क्या कहा है, ए ब्रह्मा जी के करमंडल पे, ब्रह्मा जी के करमंडल पे विष्णु जी का लाग्या पैर, पवन पवित्र अमृत बन के पर्वत ऊपर गई ठहर, भागीरथ ने तप कर रखा ना खोद के लाया थनहर, ए 60,000 सगड़
धराया नाम ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों पूजा करते शुभ ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों पूजा करते शुभ श्याम हरि सब कुछ से तेरे किसी हो रही से कारे कन्हैया झूल दे संगे रुक्मण झूल रही रागनी चैनल आज का कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे राकेश भाई 500 रुपए से इनाम देते हैं, बार बार धन्यवाद है। और ये देवी जी ये गुड़िया आई थी तो 200 रुपए का इनाम दिया, बार बार धन्यवाद। और जो मान सम्मानित किया सभी को प्रणाम। आदरणीय हमारे बुजुर्ग हैं, 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, मेरा बार बार प्रणाम नमस्कार। राजू भाई जनता धर्मकांटा से 500 रुपए का इनाम देते हैं, बार बार धन्यवाद। अंकित भाई 100 उस्तादों के, 200 दीपक भाई के, 500 पार्टी मेरे नाम से, बार बार 1500 रुपए से इनाम देते हैं, बार बार धन्यवाद। सम्मानित श्री राजकुमार जी बहुत बढ़िया सत्संग प्रेमी, 500 रुपए का इनाम मान सम्मान हौसला। कदी आ गई दूसरी बालक ने पूछा गंगा किसके ब्याई थी, ये गंगा कै बालक हुए थे। दूसरी के लिए मैं सारा वर्तान दया, गंगा किसके ब्याई आई कै बालक हुए, क्या देखा पैदा किए ऋषियों का उतारा साप, शील गंगे छोड़ के फिर स्वर्ग में गई, शील गंगे छोड़ के फिर स्वर्ग में गई थी आप। तीन पैर रहे स्वर्ग में, एक पैर दर्प धारी, 900 मील इस पृथ्वी पर अमृत रस तू पड़ पैसाई, अथर यजर श्याम सारे वेदों ने बताई, अथर यजर श्याम सारे वेदों ने बढ़ाई गाई। जब शिव जी चढ़े थे जने किसी बरसी तुम सड़े धारे कन्हैया
कड़े तो लकड़ी और कड़े तो होती होती कौन से शहरों को ये धाम बनाती बनाती और आखिरी में कड़े चली जा है पूरा मैप इस तीसरी गली में से के करिया हरिद्वार कनखल में अमृत की लहर कट मुक्तेश्वर इलाहाबाद गया जी पवित्र बार धन्यवाद। तो तीसरी कली आ गई गंगा कहाँ से निकलती है कहाँ कहाँ शहरों को स्थानों को धाम बनाते हुए आखिर में गंगा ये नदी कहां चली जाती है क्या लिखा है हरिद्वार कनखल अमृत कट मुक्तेश्वर इलाहाबाद गया जी पवित्र इलाहाबाद गया जी पवित्र शहर ये कलकत्ते सूती होली आवड़ा दिखाई जा समंदर मजाक तू मिलगी सागर का बढ़ाया मान सूर्य जी न रस पी के फिर अम्बो जल का किया बखान सूर्य जी न रस पी के फिर अम्बो जल का किया बखान आरी एक जन गई थी सने अर्जुन कृष्ण मुरारे कन्हैया तेरे
श्री गंगे मैया।